फ्रेंड्स ऑफ क्लासिक्स, देखिए हम इस चैप्टर में थे, उसका चैप्टर में देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, क्विकज़ैडा के बारे में। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता था, सपने देखता था नाइट बनने के, नाइट की पदवी वो लेना चाहता था और वह हमेशा उसी सपने में रहता था। इसलिए उसने कोशिश भी की और उसने कहा कि मेरे पास एक आर्मर यानी कवच होना चाहिए, एक हॉर्स होना चाहिए अच्छा, और उसके अलावा मेरे हाथ में एक लेंस होनी चाहिए जो कि किसके हाथ में होती है, नाइट के हाथ में होती है, मतलब जब वो घुड़सवारी करता है तब। तो इस तरह उसने एक एक करके अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट करना शुरू कर दी। ठीक है, अपना सपना पूरा करने में वो लग गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे से यहाँ से पढ़ेंगे हम पेज नंबर, देखिए आप पेज नंबर 75 ओपन करना है आपको। ओके, पेज नंबर 75 पर हम पढ़ेंगे। जब भी आपका वीडियो आता है तब आप बुक ओपन करके साथ साथ में पढ़ना मेरे साथ में। अब देखिए, नाउ ही सेड टू रोजिनेंट, आपने देखा कि उसने अपने हॉर्स का नाम रखा था। ठीक है, और उसको हॉर्स का भी एक नाम होना चाहिए था, तो उसने रोजिनेंट नाम रखा हॉर्स का। तो उसने क्या कहा, नाउ ही सेड टू रोजिनेंट, आई विल नीड ए प्रॉपर नेम फॉर माई सेल्फ, अब मुझे मेरे खुद के लिए भी एक अच्छा नाम चाहिएगा, एक सही नाम होना चाहिए जो कि नाइट्स के नेम होते हैं। He tried many names but none seemed fit for a knight as grand as he. उसको कोई नाम नहीं मिला जितना भव्य अच्छा महान नाम मतलब होना चाहिए था कि नाइट के लायक वो नाम लगे, ग्रैंड नेम, तो वह उसे नहीं मिला। तो उसने क्या कहा, माई नेम विल बी डॉन क्विकज़ैट, पहले तो उसने अपना ये नाम रखा, फिर उसने ये कहा कि मेरे नाम के साथ में मेरे किंगडम का भी नाम लगना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वो बता रहा है, Sitting straight up in bed and remembering that every knight of old attached the name of his kingdom to his own name. अब वो चूँकि हर चीज़ में एक नाइट की नकल करना चाहता है, मतलब उसको अपने आप को नाइट की पदवी जो इंसान लेता है वो बनाना है, उसको अपने आप को नाइट बनाना है। तो वो ये कह रहा है कि सबके साथ में क्या होता है, अपने साम्राज्य का नाम भी लगा हुआ होता है, तो इसलिए उसने डॉन क्विकज़ैट के पीछे डी ला मंचा जो उसके साम्राज्य का नाम था वो भी उसने लगा दिया। ओके, डी ला मंचा, डॉन क्विकज़ैट डी ला मंचा इज़ माई नेम, सो डॉन क्विकज़ैट डी ला मंचा हैड ए नेम एंड ए हॉर्स, अब उसके पास में नाम भी हो गया और एक घर भी हो, सॉरी हॉर्स भी हो गया, घोड़ा भी हो गया, और एक साथ में एक कवच भी था जो वह घुड़सवारी करते वक्त पहनता था, चमकता हुआ ग्लीमिंग आर्मर, ठीक है, सूर्य की तरह चमकता, क्योंकि उसने साफ किया था ना, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब उसे क्या चाहिए था, नाउ ही नीडेड ए लेडी टू हुम ही कुड डिवोट हिज सर्विसेज, अब उसे एक महिला की भी ज़रूरत पड़ी, मतलब उसे एक पत्नी भी चाहिए थी अपने साथ में। तो उसने देखो क्या है, डल्शिनिया ही साइड, उसने देखी डल्शिनिया नाम की एक लड़की लेडी, विल बी द नेम ऑफ माई ऑनर्ड लेडी, मेरी लेडी का नाम है ये होगा, उसने नाम भी सोच लिया। एंड ही डांस विद जॉय थ्रू द फील्ड्स, वह क्या करेगी, खुशी से खेतों में नाचेगी, मतलब मेरा जो साम्राज्य होगा, जो मेरी ज़मीन होगी इतनी सारी, उसमें वह खुशी से नाचती गाती रहेगी, मतलब वो मेरे साथ रहेगी, यह भी उसने अपने सपने में देखा। ऑल आई नीड इज़ ए स्क्वायर, अब उसे मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक ज़मींदार विश्वास रखने वाला जिससे मैं पूरा विश्वास कर सकूं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ज़मींदार। एवरी नाइट हैज़ ए स्क्वायर हु सर्व्स हिम फेथफुली ड्यूरिंग हिज ग्रैंड एडवेंचर्स, हर नाइट के पास में एक स्क्वायर भी होता है जो उसको क्या करता है, उसकी सेवा करता है फेथफुली, मतलब विश्वास से, पूरे विश्वास से उसकी सेवा करता है उसके महान साहसी कार्य में। ही डिक्लेयर्ड, ठीक है, उसने ये बात डिक्लेयर की, ही कन्विंस्ड ऑफ हिज नेबर सेंशो पांजा टू बी हिज स्क्वायर, अब उसने अपने पड़ोसी सेंशो पांजा को अपना स्क्वायर बना लिया। ही प्रोमिस्ड सेंशो टू एंटाइटल हिम एज द गवर्नर ऑफ एन आईलैंड, अब उसने प्रोमिस किया कि मैं तुम्हें एंटाइटल मतलब मैं तुम्हें पदवी दूंगा, मैं तुम्हें क्या बनाऊँगा, गवर्नर बनाऊँगा एक आईलैंड का, तुम्हें गवर्नर बनाऊँगा मैं। ठीक है, डॉन क्विकज़ैट सेट ऑफ ऑन रोजिनेंट्स बैक इन सर्च ऑफ एडवेंचर, अब वह ये सब चीज़ें सोचकर वह घोड़े पर बैठकर चलने लगा, अपने साहसी कार्य की तलाश में वह चल पड़ा। सेंशो पांजा ऑल्सो क्लाइम्ड अपॉन हिज डोंकी एंड बिगैन टू ट्रॉट अलॉन्ग साइड डॉन क्विकज़ैट, अब उसका जो जमींदार था
वह भी अपने गधे पर सवार होकर उसके साथ में चलने लगा। ठीक है, अब वो आगे जाएगा अपने साहसी कार्य की तलाश में जा रहा है, तो देखेंगे हम आगे क्या होता है।